बेटमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बेटमा में भी प्रशासन के द्वारा रात 9 बजे सभी प्रतिष्ठान बंद करवाए जा रहे हैं। वहीं लोगों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद भी नगर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन बेटमा नगर में कुछ लापरवाह व्यापारी एवं आम नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति नहीं बढ़ती जा रही, जिसके चलते रविवार को तहसीलदार बजरंग बहादुर ने नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति, नगर परिषद की टीम एवं पुलिस प्रशासन को लेकर बेटमा नगर में बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की एवं जो कोरोना संक्रमित परिवार के लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे थे, तहसीलदार के द्वारा उन्हें समझाइश देकर दुकानों को बंद करवाया। वहीं बिना मास्क लगाए हुए दुकानदारों एवं दो पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें समझाइश दी गई। वहीं तहसीलदार बजरंग बहादुर के द्वारा बताया गया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन अभी पिछले लगभग एक घंटे से बेटमा जो राजवाड़ा चौक से लेकर अम्बेडकर चौक के बीच में चालानी कार्रवाई की गई है, और जो भी दुकानदार हैं या ग्राहक हैं या बाहर बाइक पर चलने वाले हैं जिनने मास्क नहीं लगाए थे, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में हमारा सभी से आग्रह है कि जो पूर्व की तरह जो पिछले साल जैसा लॉकडाउन जब लगा था तो जो सावधानियां हमने बरती थी वही सावधानी हमको बरतने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी लापरवाही करना जो है नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हम इस संबंध में सभी को आग्रह करते हैं। ऐसी दो दुकानें खुली बताई गई हमको, तो हमने उन दुकानों को बंद करा दिया है और उसका सतत रूप से निरीक्षण भी करते रहेंगे, और आइंदा से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर चालानी कार्रवाई के अलावा और दूसरे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।